तो कुछ भी करने से पहले आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेके ये कवर जो है वो ऐसे गैप में स्क्रू ड्राइवर डाल के निकालना पड़ेगा। तो ये है वो कवर जो मैंने अभी निकाला है वो। तो ये सीट निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कैसे मैं ट्यूनिंग कर रहा हूँ वो। लेकिन ये सीट निकाला तो थोड़ा आसान गिरता है ट्यूनिंग करने के लिए, तो आपके ऊपर है, अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, नहीं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो। तो इधर मेरा सीट बाहर निकल सकता है इजीली, तो अभी मैं इसको बंद करूँगा। अभी ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको अपना इंजन गर्म करना पड़ेगा, तो 5 मिनट का आपको एक राउंड लेना पड़ेगा। तो इधर मैं एक 5 मिनट का पहले राउंड लूँगा। नमस्कार दोस्तों, रायसंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको सुजुकी एक्सेस कैसे ट्यूनिंग करते हैं वो दिखाऊंगा। बहुत सब्सक्राइबर्स ने मेरे को पूछा है कि ट्यूनिंग कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सुजुकी एक्सेस ट्यूनिंग कैसे करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और खुद के रिपेयर करके बहुत सारा पैसा बचाइए। तो ट्यूनिंग करने से पहले आपको गाड़ी का एक 5 मिनट का राउंड लेना पड़ेगा और इंजन गर्म करना पड़ेगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो इंजन गर्म होने के बाद हम लोग गाड़ी को ट्यूनिंग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाड़ी आप ला के मेन स्टैंड पे लगा दीजिएगा। तो पहले आप आ जाए एक्सेलरेटर केबल के पास, और एक्सेलरेटर केबल अगर ऐसा टाइट किया हुआ है तो उसको फिर से लूज कीजिए, क्योंकि कुछ मैकेनिक इधर ही टाइट करके ट्यूनिंग करते हैं, वो ठीक से ट्यूनिंग नहीं करता है। तो इधर आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी चालू है और मैंने इधर बंद किया है क्योंकि मुझे ये सीट अनलॉक करना था। तो ये सीट मैं पहले निकालूंगा बाहर। अब जो कवर जो हमने निकाला था उधर आप जाके देख सकते हैं, इधर से आप ट्यूनिंग स्क्रू देख सकते हैं, ये है हमारा है ट्यूनिंग स्क्रू। और इधर और एक स्क्रू के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, ये दूसरा स्क्रू जो है, ये स्क्रू अगर आप लेफ्ट में घुमाते हैं तो आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगी और कम पावर मिलेगा, क्योंकि कार्बोरेटर में हवा ज़्यादा जाएगा। और अगर आप ये राइट में घुमाते हैं तो इससे आपको ज़्यादा पावर मिलेगी और कम माइलेज मिलेगी। तो अगर आपको पावर ज़्यादा या माइलेज ज़्यादा चाहिए तो उसके हिसाब से ये स्क्रू आप टाइट या लूज़ कर देना। अभी इधर आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, मेरी गाड़ी अभी तक चालू ही है और ये चालू ही रख के मैं अभी ट्यूनिंग स्क्रू घुमाऊँगा, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि हाई ट्यूनिंग और लो ट्यूनिंग क्या है। तो ये साइड से आपको स्क्रू ड्राइवर ऐसे घुसाना है। तो मैं इधर आपको ऊपर का व्यू दूंगा, तो ये है मेरा स्क्रू ड्राइवर जो इस गैप से आ रहा है, और अभी मैं इसको टाइट करूंगा और आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इसको टाइट करूंगा। ये देखो मैं टर्न कर रहा हूँ और इधर आप देख सकते हैं बाइक रेस हो रही है। अभी मैं इसको लूज़ करूँगा, अभी ज़्यादा लूज़ किया तो ये देखें मेरी बाइक बंद गिर गई। तो बंद हो गई तो आपको पहले फिर से चालू करना पड़ेगा और एक हाथ से थोड़ा रेस करके रखना पड़ेगा ताकि वो उसको आप टाइट करें, नहीं तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, इसे रेस करके रखना चाहिए। एक हाथ से मैंने रेस करके रखा है और दूसरे हाथ से मैं ये ट्यूनिंग स्क्रू फटाफट टाइट करूँगा। अभी टाइट करने से ये थोड़ा ज़्यादा रेस होगा, तो आपको ये आहिस्ते से लूज करना है ताकि वो आपको अच्छा बैलेंस मिले फास्ट ट्यूनिंग और लो ट्यूनिंग के बीच। तो इधर मेरा ट्यूनिंग करके हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाएं मैं लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।